हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम टॉपिक करेंगे, दैट इज कौन सा टॉपिक करेंगे, फुल सबट्रैक्टर। और बहुत जबरदस्त, बहुत अमेजिंग रहने वाली है वीडियो। हर चीज इतनी आसानी से समझ में आएगा। और क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ दो वर्ड्स लिखने हैं, थैंक यू। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम टॉपिक करेंगे फुल सबट्रैक्टर का। लेकिन फुल सबट्रैक्टर सीखने से पहले कुछ टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए। तो पहले तो मैं ये बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक्स पता होने चाहिए। अगर आपको पता होंगे तो ही आपको समझ में आएगा। अगर नहीं भी पता होंगे तो मेरी आप सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, या तो पहले जो टॉपिक्स बता रहा हूं वो कर लेना, या फिर इस वीडियो को देखने के बाद कर लेना, क्योंकि जो टॉपिक मैं सिखाऊंगा बहुत आसानी से समझ आएगा। ठीक है, तो मैं पहले टॉपिक लिख रहा हूं कौन कौन से आपको आने चाहिए। सबसे पहले तो फुल सबट्रैक्टर सीखने से पहले आपको आना चाहिए, सबट्रैक्ट है तो बाइनरी सबट्रैक्शन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, बाइनरी सबट्रैक्शन का कंसेप्ट आना चाहिए। तो अगर आपने बाइनरी सबट्रैक्शन सीखना है तो ये आई बटन आ रहा है, क्लिक करके आप बाइनरी सबट्रैक्शन सीख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको आना चाहिए ट्रुथ टेबल का कंसेप्ट। क्या आना चाहिए, ट्रुथ टेबल का कंसेप्ट आना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपको टॉपिक आना चाहिए मैक्स टर्म मिन टर्म, मैक्स टर्म मिन टर्म का कंसेप्ट। नेक्स्ट, इसके बाद आपको कौन सा टॉपिक आना चाहिए, मैक्स मिन के बाद आना चाहिए सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम। और उसके बाद आपको आना चाहिए के मैप। अगर आपको के मैप नहीं भी आता होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से बताऊंगा जो एक्सप्रेशन जो आंसर आएगा वो याद ही हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये टॉपिक्स आपको आने चाहिए, जो ये है हमारा ट्रुथ टेबल, मैक्स टर्म, सर्किट डायग्राम। इन तीनों के लिए ये आई बटन आ रहा है बूलियन अलजेब्रा की, आप देख सकते हो सब कवर होगा उसके अंदर। ठीक है, तो बहुत आसान लगने वाला है। अच्छा, साथ में जैसा इसके अंदर लिखा हुआ है फुल सबट्रैक्टर, तो इससे पहले की वीडियो थी हाफ सबट्रैक्टर की, तो ये हाफ सबट्रैक्टर का आई बटन आ रहा है, आप उसको भी देख सकते हो। सारी की सारी जो स्टूडेंट बाद में देखना चाहते हैं ये सारी जो मैंने वीडियोस बताई, तो हम डिस्क्रिप्शन में भी सारी वीडियोस का हम लिंक डाल देंगे, आप देख सकते हो। ठीक, राइट। तो अब हम स्टार्ट करेंगे फुल सबट्रैक्टर के कंसेप्ट से। फुल सबट्रैक्टर का कंसेप्ट सीखने के लिए जो टॉपिक्स चाहिए वो तो चाहिए, उसके अलावा एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या क्या चीजें करनी है, तो सबसे पहले मैं वो बताऊंगा, स्टेप्स बताऊंगा क्या क्या करना है, फिर हम उन स्टेप्स को सॉल्व करेंगे। फुल सबट्रैक्टर का अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आपको क्या लिखकर आना है एग्जाम के अंदर, सबसे पहले तो आपको फुल सबट्रैक्टर के लिए क्या करना है, ट्रुथ टेबल सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम बनाना है। गलती से मैंने ट्रुथ टेबल बोल दिया, ब्लॉक डायग्राम बनाना है। किसका ब्लॉक डायग्राम, फुल सबट्रैक्टर का। ठीक है, तो हमारा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हम ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। सेकंड क्या करेंगे, हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ट्रुथ टेबल, तीन वेरिएबल्स के पॉइंट से, थ्री बिट्स के हिसाब से, थ्री बिट्स लिख लो, वेरिएबल्स लिख लो, सेम ही ट्रुथ टेबल बनेगा। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे मैक्स टर्म। ट्रुथ टेबल बनाने के बाद हम निकालेंगे मैक्स टर्म, दो मैक्स टर्म आएगी, वो जब समझाऊंगा तो पता चल जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, दो एक्सप्रेशन आएगी यहां पर, उनको टू एक्सप्रेशंस को। अब इनको सॉल्व करने के लिए आपको के मैप आना चाहिए, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया के मैप नहीं आता होगा कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से बताऊंगा कि आपको याद हो जाएगा एक्सप्रेशन। एंड द लास्ट वन इज सर्किट या फिर लॉजिक सर्किट डायग्राम, तो मैं सिंपल लिख रहा हूं सर्किट डायग्राम। तो जब हमारा क्वेश्चन आएगा फुल सबट्रैक्टर को, एक दो तीन चार पांच, पांच चीजें हमें करनी है स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। तो यहां पर आते हैं, सबसे पहले क्या करना है हमें, ब्लॉक डायग्राम बनाना है।
तो ब्लॉक डायग्राम किसका बनाएंगे हम, फुल सब्ट्रैक्टर का, यानी कि हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या करा, सिंपल आपने एक बॉक्स बना दिया और जो फुल सब्ट्रैक्टर होगा उसमें तीन वेरिएबल्स होंगे यानी तीन बिट्स होंगे। तो यहां पर आप तीन लाइंस ड्रॉ कर देना, 1, 2 और 3। यहां लिख देना ए, दिस इज बी, दिस इज सी, इनको कहते हैं इनपुट। क्या कहेंगे, इनपुट। तो हम क्या करेंगे, तीन इनपुट देंगे और जब सब्ट्रैक्ट करोगे यहां पर रिजल्ट आएगा, दो रिजल्ट आएगा। एक को कहेंगे बोरो, एक को क्या कहेंगे, बोरो, और एक को कहेंगे डिफरेंस। ऊपर नीचे कुछ भी लिख सकते हो, तो मैं नीचे लिख देता हूं इसको, क्योंकि अधिकतर जगह पे ना नीचे लिखा होता है। चलो मैं नीचे लिख रहा हूं, उसको ऊपर लिख रहा हूं और इसको नीचे लिख रहा हूं डिफरेंस को। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, ऊपर नीचे लिख दो, गलत नहीं होता वो। और बीच में लिख दोगे आप फुल सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आए, पहला स्टेप क्या है हमारा, ब्लॉक डायग्राम। परफेक्ट, नोट करो, जब कहो नोट करो तब नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है। यहां तक हो गया, अब हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप पे आएंगे। ये सेकंड स्टेप क्या है, हमें ट्रुथ टेबल बनाना है, कितने बिट्स होने चाहिए, तीन बिट्स। तो क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल। कितने बिट्स के लिए चाहिए, तीन चाहिए हमें। तो वेरिएबल्स, बिट्स मतलब वेरिएबल ही मानना, तीन वेरिएबल्स लेंगे, ए बी सी। ए बी सी ले लिया हमने, ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। अब जिन्होंने ट्रुथ टेबल कर रखा है उनको तो आ जाएगा सिंपल, जिसने नहीं कर रखा तो मैं फटाफट समझाऊंगा, उनके लिए भी दिक्कत नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि उनको पहले दूसरी ट्रुथ टेबल की वीडियो देखनी होगी, बट ऐसे समझाऊंगा समझ में आ जाएगा। कितने वेरिएबल्स है, थ्री। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, ट्रुथ टेबल का फॉर्मूला होता है 2 raised to power नंबर ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स कितने, थ्री। तो 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8। तो 8 केसेस बनेंगे, यानी टोटल 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। अब कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सब 0 1 के फॉर्म में हम पढ़ेंगे, तो कॉम्बिनेशन किसके होंगे, 0 और 1 के कॉम्बिनेशंस। 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये मेरे 6 कॉम्बिनेशन बने हैं, लेकिन बनाने कितने हैं टोटल, 8 कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब ध्यान दो, कितने हो गए हमारे टोटल, 8 कॉम्बिनेशन, दिस इज 8 कॉम्बिनेशन। अब आपने क्या करना है, 8 हो गए, 8 का हाफ, 8 का हाफ जल्दी बताओ कितना होता है, 4। फर्स्ट वाले में ए के नीचे आप 4 बार 0 लिख दोगे और 4 बार 1 लिख दोगे, परफेक्ट हो गया। अब 4 का हाफ कितना होता है, 4 का हाफ इज 2। तो क्या करोगे, 4 हो गए तब 4 का आधा 2, दैट इज 2 बार 0 2 बार 1 2 बार 0 2 बार 1, ठीक है। अब 2 का आधा कितना हो गया, दैट इज 1। तो क्या लिख दोगे, 0 1 0 1 0 1 0 1, परफेक्ट, ठीक है, ये हो गया ट्रुथ टेबल। अब हमें क्या करना, थर्ड स्टेप पे आते हैं, ट्रुथ टेबल हो गया, नेक्स्ट इज मैक्स टर्म, क्या निकालना है, मैक्स टर्म। तो मैक्स टर्म कैसे निकलेगी, ट्रुथ टेबल के साथ ही हम लिख देंगे यहां पे मैक्स टर्म, एक कॉलम और बना देंगे, दैट इज मैक्स टर्म। लेकिन मैक्स टर्म से पहले क्या करना है, यहां ध्यान दो, मैक्स टर्म से पहले जब हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो इसके बाद हमें निकालना है डिफरेंस, और निकालना है, क्या निकालना है डिफरेंस के साथ, हमें बोरो। अब दोस्तों आपको ना कंसेप्ट किसका आना चाहिए, आपको कंसेप्ट आना चाहिए किसका, जल्दी बताओ, माइनस करने का, बाइनरी सब्ट्रैक्शन आना चाहिए। नहीं आता तो भी सिंपल है, यहां पर आप 2 कॉलम बनाओगे, एक बनाओगे डिफरेंस का और एक बनाओगे बोरो का, डिफरेंस और एक बना दोगे बोरो का, ठीक है। अब काफी स्टूडेंट्स को ना यहां पे कंफ्यूजन होने वाली है, क्या होने वाली है, कंफ्यूजन, लेकिन हम इस तरीके से समझेंगे, कंफ्यूजन नहीं हो, क्या करेंगे हम इस तरीके से समझेंगे, कंफ्यूजन नहीं हो। अब ध्यान देना जो चीज समझने की है, तो पहले मैं अलग से बना रहा हूं,
आपने क्या करना है, जीरो माइनस जीरो कितना होता है, जीरो, जीरो माइनस जीरो इज जीरो, सिंपल। वन माइनस जीरो कितना होता है, वन होता है, ये भी पता है। वन माइनस वन कितना होता है, जीरो होता है, ये भी पता है। अब जो कंफ्यूजन होगी वो यहां जीरो माइनस वन पे, ठीक है। क्या जीरो में से वन माइनस हो सकता है, मैथ्स में पढ़ा होगा तो माइनस वन होता है, हाँ होता है, ठीक है, मैथ्स में पढ़ा हो तो माइनस वन होता है। लेकिन अभी हम इसको हटाते हैं। जब आप छोटी क्लास में थे, यानी कि जब आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में थे, फर्स्ट सेकंड में ही करा देते हैं जनरली, जब आप सेकंड क्लास या थर्ड क्लास में थे, जब आपको ये कराया गया होगा जीरो माइनस वन, तो कहा जाता था नहीं हो सकता माइनस। जैसी बड़ी क्लास में तो आपको बताया गया कि माइनस हो सकता है, लेकिन हमें उधार लेना पड़ता है, यानी क्या करना पड़ता है, बोरो लेना पड़ता है। तो जब जीरो माइनस वन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोरो लेना पड़ेगा। सिंपल चीज है, मेरे पास दस रुपए हैं, खर्च मुझे बीस रुपए करने हैं, तो क्या मैं कर सकता हूं, नहीं कर सकता। मैं क्या करूंगा, किसी से उधार ले लूंगा, जिससे कि मैं बीस रुपए खर्च करने तो मैं कर सकूं, क्योंकि अभी तो दस रुपए हैं। सिमिलरली जब जीरो माइनस वन होगा तो आपको बोरो करना है, ठीक है। बोरो हमेशा वन करोगे, बोरो क्या करोगे, वन करोगे। और ये कितना होगा, जीरो माइनस वन, जो नॉर्मल मैथ्स में करते हैं दैट इज माइनस वन। ध्यान देना, वो ये मैं वो चीज नहीं बता रहा जो बाइनरी सब्ट्रैक्शन में सिखाई थी। जिस बच्चे को बाइनरी सब्ट्रैक्शन आता तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, आंसर सेम आएगा। जिसको नहीं आता उसके लिए सिंपल है, और जिसको आता है वो भी सिंपल, ध्यान रखना है जीरो माइनस वन कितना होता है, माइनस वन होता है। जब आंसर नेगेटिव में आया तो आपको क्या लिखना है, बोरो करना है वन, और जब नेगेटिव में नहीं आया तो बोरो क्या करना है, जीरो। यहां पे नेगेटिव नहीं आ रहा, बोरो जीरो, बोरो जीरो, बोरो जीरो, ठीक है। और ये कितना आ गया, माइनस वन आ गया, लेकिन आप माइनस वन कहीं नहीं लिखोगे, बस माइनस का साइन हटा देना, यानी जीरो माइनस वन करेंगे तो वन आएगा, बोरो बोरो कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है बस। अब आते हैं हम यहां पर, हमें क्या करना है, हमें इनको माइनस करना है, ए माइनस बी माइनस सी। तो क्या करेंगे हम, ध्यान देना, अभी ना आप इसको भूल जाओ, किसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इस पार्ट को, ठीक है, इस पार्ट को हम भूल जाएंगे, यहां पर लिखेंगे, और इसका जो आंसर आएगा, इनको जो माइनस करूंगा वो यहां लिखूंगा रिजल्ट। तो मैंने आपको क्या कहा, किस किस को भूलना है, आपने सी को भूल लो, क्योंकि हमें ए माइनस बी माइनस सी करना है। अधिकतर बच्चे कंफ्यूज होते हैं जब एक साथ ही माइनस करते, तो सी को भूल जाओ। जीरो माइनस जीरो, जल्दी बताओ, जीरो माइनस जीरो, रिजल्ट यहां लिखोगे, और बोर होगा तो यहां लिखोगे, डिफरेंस में कुछ नहीं लिखना, आपने डिफरेंस में कुछ भी नहीं लिखना अभी। तो जीरो माइनस जीरो इज जीरो, और नेगेटिव आएगा तो बोरो करेंगे, नेगेटिव तो नहीं आ रहा तो कितना हो गया, बोरो इज जीरो। नेक्स्ट, जीरो माइनस जीरो जीरो, तो ये जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अभी मैं ए माइनस बी कर रहा हूं, तो इसका जो रिजल्ट आएगा यानी डिफरेंस आएगा वो यहां पे लिख रहा हूं, और जो बोरो आएगा वो यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। लेकिन एग्जाम में ये नहीं बनाओगे, ये रफ वर्क में बनाओगे आप। जीरो माइनस वन, जीरो माइनस वन इज माइनस वन, ये हो गया माइनस वन, इसका मतलब नेगेटिव आ रहा, तो बोरो क्या करना है, जल्दी बताओ, बोरो क्या करना है, वन। तो यहां पे बोरो लिख देंगे हम वन, और मैंने आपको क्या कहा था, नेगेटिव साइन को हटा देंगे, अभी मैं लिख के रख रहा हूं, लास्ट में हटा दूंगा, ठीक है। यहां तक हो गया हमारा वन टू थ्री। अब जीरो माइनस वन, जल्दी बोलो, जीरो माइनस वन माइनस वन, तो ये हो गया माइनस वन। जब नेगेटिव में आएगा तो क्या करेंगे, बोरो, तो ये यहां पर बोरो, राइट। वन माइनस जीरो, ऑब्वियसली वन, कुछ बोरो होगा, नेगेटिव नहीं आ रहा तो बोरो नहीं होगा, दैट इज जीरो, ठीक है। वन माइनस जीरो वन, नेगेटिव नहीं आ रहा, बोरो होगा, नहीं होगा, दैट इज जीरो। वन माइनस वन कितना आएगा, वन माइनस वन इज जीरो, नेगेटिव आ रहा, नहीं आ रहा, तो बोरो होगा, नहीं होगा, दैट इज जीरो। नेक्स्ट, वन माइनस वन जीरो, नेगेटिव आ रहा, नहीं आ रहा, बोरो होगा, नहीं होगा, दैट इज जीरो, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, लास्ट में माइनस हटा दूंगा, तो यहां पे हमने माइनस हटा दिया। इसका मतलब जब हम ए माइनस बी करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा और ये बोरो आएगा। अब हम ए और बी को छोड़ देंगे, जो हमारा रिजल्ट आया इसमें से किसको माइनस करेंगे, सी से, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दो, जीरो माइनस जीरो, जीरो माइनस जीरो इज जीरो, तो यहां पे जीरो, जीरो माइनस जीरो इज जीरो, बोरो कुछ होगा, नहीं होगा, दैट इज जीरो, ऑलरेडी जीरो है। नेक्स्ट, जीरो माइनस वन,
जीरो माइनस वन माइनस वन, दिस इज माइनस वन, बोरो होगा नेगेटिव है तो होगा, तो कितना आना चाहिए बोरो वन, तो यानी कि यहां पे जीरो की जगह क्या आ जाएगा हमारा वन आ जाएगा। ठीक है, अब आएंगे थर्ड, वन माइनस जीरो इज वन, पॉजिटिव है बोरो होगा नहीं होगा, तो क्या यहां पे जीरो लिख दे, नहीं, जो लिखा हुआ है एज इट इज। चेंज तब करोगे अगर जीरो है और बोरो करना पड़ रहा है, और अगर ऑलरेडी बोरो है तो चेंज नहीं करोगे। ठीक है, अब ये वन माइनस वन इज जीरो, तो बोरो होगा नहीं होगा, यानी जीरो आना चाहिए, लेकिन पहले ऑलरेडी वन है तो चेंज नहीं करेंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बोरो में चेंज तब करोगे अगर जीरो होगा, अगर वन होगा तो कोई चेंज नहीं करोगे। नेक्स्ट, वन माइनस जीरो इज वन, पॉजिटिव आ रहा है तो कुछ बोरो होगा नहीं होगा, जीरो बाय डिफॉल्ट जीरो ही है। वन माइनस वन इज जीरो, बोरो होगा नहीं होगा, दैट इज जीरो। जीरो माइनस जीरो इज जीरो, बोरो होगा नहीं होगा, जीरो ही है। जीरो माइनस वन इज माइनस वन, बोरो होगा होगा, क्या आना चाहिए वन, लेकिन यहां के जीरो तो हम चेंज कर देंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, बोरो के अंदर अगर ऑलरेडी जीरो है और बोरो जीरो ही आ रहा है तो कोई चेंज नहीं होगा। बोरो के अंदर ऑलरेडी वन है और बोरो के अंदर ऑलरेडी वन है और बोरो चाहे आ रहा है या नहीं आ रहा वो वन ही रहेगा, और बोरो के अंदर जीरो है और बोरो आ रहा है तो वो वन हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये, यहां पर अगर कहीं पे भी हमारा वन है तो पहले से ही जो पहले हमने ए माइनस बी करा वन है तो यहां पे चेंज नहीं करोगे, अगर जीरो है बोरो करना पड़ रहा तो वन कर दोगे। ठीक है, और लास्ट में मैंने क्या कहा था, नेगेटिव हटा देंगे, ये वाला नेगेटिव का साइन हम हटा देंगे, सॉरी ये नेगेटिव का हटा देंगे, ये नेगेटिव का हटा देंगे। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और ये जो लिखा हुआ है इसको मैं ठीक कर रहा हूं, इसको मैं हटा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में ये नहीं लिखना, ये आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये हो गया और ये हो गया, आप पहले इसको देख लो, और एग्जाम में ये भी नहीं लिखोगे आरईएस, ये सिर्फ समझाने के लिए रफ वर्क है। ठीक है, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूं क्या यही आ रहा है हमारा, डिफरेंस इज जीरो डबल वन जीरो वन डबल जीरो वन, ठीक है, जीरो ट्रिपल वन ट्रिपल जीरो वन, परफेक्ट। ठीक है, तो यहां तक हो गया, ट्रुथ टेबल हो गया, अब आता हूं नेक्स्ट, अब हमें क्या निकालना है, मैक्सटर्म। तो पहले मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, मैक्सटर्म। तो यहां पर हम एक कॉलम और बनाएंगे, किसका, मैक्सटर्म का, तो ये लिखा मैंने मैक्स टर्म। दोस्तों वीडियो बड़ी जरूर हो सकती है लेकिन समझ आनी चाहिए, ये नहीं कि वीडियो की ड्यूरेशन छोटी हो जाए समझ नहीं आए बच्चे को, कोई फायदा नहीं होगा, और गैप्स क्लासेस की वीडियो की ड्यूरेशन बड़ी ही होती ही होती है क्योंकि हर चीज प्रॉपर तरीके से हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक बना दिया कॉलम, दैट इज मैक्स टर्म। अब मैक्स टर्म के अंदर क्या करोगे, अभी आप डिफरेंस और बोरो को भूल जाओ, सिर्फ कितने वेरिएबल है, ए बी सी तीन वेरिएबल्स है, यहां पर इस कॉलम में ए डैश बी डैश सॉरी ए डॉट बी डॉट सी लिख दो। तो मैक्स टर्म क्या कहता है, जितने भी वेरिएबल्स आपने लिए हैं ए बी सी उस पर क्या कर दो, डॉट की फॉर्म में लिख दो, ए डॉट बी डॉट सी। सिमिलरली यहां पर आ गया ए डॉट बी डॉट सी ए बी सी एबीसी एबीसी और ए बी सी। ठीक है, तो क्या करा मैक्स टर्म में, सबको ए डॉट बी डॉट सी ए डॉट बी डॉट सी कर दिया, नोट कर लो यहां तक। अब क्या करा, ये मैक्स टर्म लिखा नहीं, गलत है, एग्जाम में स्टूडेंट यही लिख कर आता है, जब हम डॉट लगा रहे हैं तो वो मिन टर्म होती है, डॉट लगा रहे हैं तो क्या होती है मिन टर्म, प्लस करते हैं तो मैक्स टर्म होती है। तो यहां पर मैं हेडिंग में चेंज कर रहा हूं, दिस इज मैक्स टर्म नहीं है, ये क्या है हमारी मिन टर्म। ठीक है, और जो स्टेप्स लिखवाए थे वहां पर भी क्या करना है मिन टर्म। स्टूडेंट गलती करके आते हैं और कहते हैं कि सर वही लिखा जो आपने बताया, तो मैंने मैक्स टर्म नहीं बताया, क्या बताया मिन टर्म मिन टर्म मिन टर्म, क्या बताया मिन टर्म मिन टर्म मिन टर्म। ठीक है, तो मिन टर्म कैसे निकलती है, डॉट 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 लगाने से, चेंज कर लेना। अब आप ध्यान दो क्या लगाया, डॉट, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई,
किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्क नहीं पड़ेगा। रिपीट कर रहा हूं, ऐसा कौन सा नंबर है मैथ्स में अगर हम उसको उस नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल लेता हूं, 7 है, 7 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, 7 ही आएगा। जल्दी बताओ, कमेंट्स में लिख देना क्या हो गया 1। तो हम क्या करेंगे, 1 के उल्टे के ऊपर बार, 1 का उल्टा 0, क्योंकि हम 0-1 की फॉर्म में पढ़ रहे हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कौन सा मैथ्स का नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करते हैं फर्क नहीं पड़ता। सपोज 7 है, 7 के किसको मल्टीप्लाई करूंगा, 7 ही आएगा 1, तो उसके उल्टे के ऊपर बार, 1 का उल्टा इज 0। तो जहां पे 0 है वहां पर हम क्या लगा देंगे, डैश लगा देंगे। कहां पे, मिन टर्म में। ए है, ध्यान दो, ए बी सी तीनों पे क्या है हमारा, डैश है, तीनों पे क्या है हमारा, जीरो है सॉरी। तो हम तीनों के ऊपर क्या लगा देंगे, डैश लगा देंगे। तो ए के ऊपर डैश, बी के ऊपर डैश, सी के ऊपर डैश। नेक्स्ट में कौन सा है, ए और बी जीरो है, तो ए और बी के ऊपर डैश, ए के ऊपर डैश, बी के ऊपर डैश। नेक्स्ट कौन सा है, ए एंड सी, तो किस पे आएगा, ए एंड सी के ऊपर डैश, ए पे डैश, सी पे डैश। नेक्स्ट कौन सा, दैट इज ए, तो किस पे आएगा, ए पे डैश। नेक्स्ट कौन सा है, बी एंड सी, तो किस पे डैश आएगा, बी पर भी सी पर भी, तो दिस इज बी, दिस इज सी। नेक्स्ट कौन सा है, बी है, तो बी पे डैश। नेक्स्ट कौन सा है, सी, तो यहां पे सी पर डैश। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मिन टर्म। क्या हो गया, मिन टर्म, नोट कर लो पहले फटाफट। ठीक है, यहां तक हो गया, मिन टर्म हो गया। अब हमें क्या करना है, अब आते हैं हम स्टेप, नेक्स्ट स्टेप पे। मिन टर्म हो गया, मिन टर्म के बाद क्या करेंगे, हम एक्सप्रेशन निकालेंगे। दो एक्सप्रेशन निकलेगा, उसको सॉल्व करेंगे। एक एक्सप्रेशन निकलेगा बोरो के रिस्पेक्ट में, एक निकलेगा डिफरेंस के रिस्पेक्ट में, यानी कि यहां पर। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान दो, अब आप देखोगे डिफरेंस में क्या देखोगे, डिफरेंस में कहां पर 1 है, ये और ये, इसके सामने जो मिन टर्म है उसको यहां पर लिख देंगे। तो 1 जो यहां पर है, इसका क्या गया, ए डैश बी डैश, ए डैश डॉट बी डैश डॉट सी, इस 1 के सामने है। इस 1 के सामने क्या है, ए डैश डॉट बी डॉट सी डैश, तो दिस इज ए डैश डॉट बी डॉट सी डैश, ये हो गया। नेक्स्ट, ये 1 यहां पर है, यहां पर क्या है, ए डॉट बी डैश डॉट सी डैश, तो ये आ गया ए डॉट बी डैश डॉट सी डैश। ठीक है, अब यहां पर 1 कौन सा, ये इसके सामने क्या है, ए डॉट बी डॉट सी, तो दिस इज ए डॉट बी डॉट सी। और अब क्या कर लोगे, इसके बीच में प्लस लगा दोगे। क्या लगा देंगे हम इसके बीच में, प्लस का साइन, तो दिस इज प्लस। ठीक है, तो क्या करा, दिस इज प्लस, दिस इज प्लस, दिस इज प्लस। ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग लिखा, डिफरेंस के, तो ये आ गया डिफरेंस के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हमें देखना है, सेम काम देखना है, एक्सप्रेशन निकालना है बोरो के रिस्पेक्ट में। अब बोरो में 1 कहां पर है, तो समझते हैं बोरो में 1 कहां पर है हमारा। बोरो में 1 है ये, ये, ये और ये, इसके सामने के टर्म्स लिख देंगे और क्या कर देंगे, बीच में प्लस लगा देंगे। तो देखते हैं, ये 1 है, तो ये आ गया हमारा ए डैश डॉट बी डैश डॉट सी प्लस ए डैश डॉट बी डॉट सी डैश, फिर प्लस ए डैश डॉट बी डॉट सी और प्लस ए डॉट बी डॉट सी। ठीक है, सिंपल मैंने क्या करा, जहां जहां पे बनना है उसके सामने की एक्सप्रेशन लिख दी। तो ये हो गया हमारा किसके रिस्पेक्ट में, ये हो गया हमारा बोरो के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेशन। ठीक है, यानी कि हमने क्या निकाला, हमने निकाला सिंपल चीज, हमने क्या निकाला, एसओपी, दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग क्या निकालेंगे, एसओपी। ये एसओपी आ गया, एसओपी आ गया। सिंपल मैंने इसलिए वर्ड यूज नहीं करा, अगर मैं एसओपी बोलता या पीओएस बोलता तो स्टूडेंट पहले वो पढ़ता, तो पढ़ने की जरूरत नहीं, पहले ही बता दिया, नोट कर लो फटाफट, सिंपल तरीके से सिखा दिया। दोस्तों वीडियो की ड्यूरेशन बड़ी जरूर हो रही है, दोबारा बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, लेकिन हमें सही से करना है, तो इसलिए
टाइम ज्यादा लग सकता है। यहां हो गया, अब आएंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टेप क्या हमारा, सॉल्व करनी है दोनों एक्सप्रेशन, बाद में क्या करेंगे सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो चलते हैं यहां पर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें सॉल्व किसको करना है, डिफरेंस वाली को, तो सॉल्व करेंगे डिफरेंस वाली एक्सप्रेशन को, ठीक है। ये क्या है, a डैश बी डैश सी प्लस a डैश बी सी डैश प्लस a डॉट b डैश डॉट c डैश प्लस a डॉट b डॉट c, ठीक है। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व किसके थ्रू करेंगे, सॉल्व डिफरेंस यूजिंग k मैप। अब मैं आपको ना सिंपल तरीका बता रहा हूं, के मैप से सॉल्व कर लेना, एग्जाम में करना चाहिए, लेकिन काफी बच्चों को के मैप भी नहीं आता, तो मैं बेस्ट तरीका बताऊंगा, याद ही हो जाएगा। कितने वेरिएबल है, चार, एबीसी, सॉरी तीन, एबीसी एबीसी एबीसी। अब यहां ध्यान दो, अगर ध्यान से समझना मैं क्या बोलने जा रहा हूं, वैसे तो अगर आपने हाफ सब्ट्रैक्टर कर रखा है तो आपको हाफ सब्ट्रैक्टर में कुछ ये एक्सप्रेशन निकल कर आया था, एक्सोर बी। अब फुल सब्ट्रैक्टर है तो उसके सामने सी लगा दो, ठीक है। या फिर मैं सिंपल तरीका बता रहा हूं याद करने का, ए लिख दो, बी लिख दो, सी लिख दो, प्लस का साइन और सर्कल, प्लस का साइन सर्कल, ये क्या बन गया, एक्सोर बन गया। इसको आप सॉल्व करोगे के मैप से तो यही आंसर आएगा। सिंपल एक तरीका और है, तीन वेरिएबल है ए बी सी। अब अगर जितने भी एक्सप्रेशन है, अगर हर एक एक्सप्रेशन के अंदर किसी दो पे बार होगा और हर एक बार, हर एक टर्म में अलग अलग जगह पे बार होना चाहिए, तो एक्सोर बनता है। ये देखो एबीसी है, ए और बी पे बार है, सी पर नहीं है, यहां पर ए और सी पर है, बी पर नहीं है, यहां पर बी पे था, सी पे नहीं था, अब यहां पर ए और सी आ गए, यहां पर बी और सी पर आ गए, ए पे नहीं है। यानी कहने का मतलब ये कि एक तो ये हो गया जिसपे कहीं पे भी बार नहीं है, और एक बाकी जितने भी हमारे पास ये टर्म है, हर एक के अंदर एक टर्म ऐसा होना चाहिए, एक वेरिएबल ऐसा होना चाहिए जिसपे बार नहीं हो और रिपीट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सी पे नहीं है, यहाँ पे बी पे नहीं है, यहाँ पे ए पे नहीं है, बाकी ऊपर है, तो ये बन जाएगा, ठीक है। और अगर हाफ सब्ट्रैक्टर कर रखा तो ये बन रहा था, सिंपल लिख सकते हो आप। ये किसकी बात हो गई, डिफरेंस की। अब हमें सॉल्व करना है बोरो वाला, तो मैं बोरो वाला कर देता हूं, सॉल्व बोरो, ठीक है। तो ये क्या हमारा, ए डैश डॉट बी डैश डॉट सी प्लस a डैश डॉट बी डॉट सी डैश प्लस ए डैश डॉट बी डॉट सी प्लस ए बी सी ए डॉट बी डॉट सी। अब हमें इसको सॉल्व करना है यूजिंग के मैप। ठीक है, तो क्या करना है, सिंपल तरीका बताता हूं। ये वाली तो अगर जब इसको सॉल्व करोगे, इनमें से कौन सी एक्सप्रेशन ऐसी है जिसमें दो टर्म कॉमन आ रही है, यहां पर दो के अंदर ये दो है, यहां पे बी सी कॉमन आ रहा है, बी सी कॉमन आ रहा, तो ये क्या हो गया, ए डैश और ए, तो ए प्लस ए डैश कितना होता है, वन होता है। तो सिंपल आप क्या लिख दो, इन दोनों में बी सी कॉमन आ रहा है तो आप लिख दोगे बी डॉट सी प्लस का साइन, ठीक है। अब आपको ना सिर्फ जो आगे वाली एक्सप्रेशन है इसको याद करना है, अगर आप इसको के मैप से सॉल्व करोगे तो वही आएगी जो मैं बता रहा हूं। तो क्या आएगा, सिंपल याद करने का तरीका बता देता हूं, ए बी लिख दो, ए सी लिख दो, क्या लिख दिया हमने, ए बी लिख दिया और ए सी लिख दिया, और दोनों के अंदर ए के ऊपर डैश लगा दो, ठीक है। क्या करा, दोनों के ऊपर ए के ऊपर डैश लगा दिया, तो ये हमारा क्या आ गया, इसको सॉल्व करने से आएगा। दोबारा बता रहा हूं क्या आएगा, ध्यान से समझना, इसको मैं इरेज करता हूं, यहां पे ये दो टर्म है, बी और सी कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ए प्लस ए डैश दैट इज वन, तो ये तो बी और सी हो गया। फिर क्या करना है आपको, दो टर्म्स लिख दो, ए बी और ए सी, और यहां पर भी a पर डैश, यहां पर a पे डैश, बस ये सॉल्व करोगे ये आ जाएगा। अब हमारे पास जो एक एक्सप्रेशन ये आ गई, एक एक्सप्रेशन ये आ गई, इसका क्या बनाएंगे, k मैप और सॉरी सर्किट डायग्राम, खत्म, आंसर फिनिश। तो समझते हैं आप k मैप बनाना है,
सॉरी बार बार के में आप निकल रहा है सर्किट डायग्राम. नाउ वी विल ड्रॉ सर्किट डायग्राम. नाउ वी विल मेक सर्किट डायग्राम. ठीक है, किसका बनाएंगे? एक्सप्रेशन लिख देता हूं, ए प्लस बी प्लस सी इसका बनाएंगे, और बी डॉट सी प्लस ए बी लिखा, ए सी लिखा और डैश. यही दो लिख दी मैंने एक्सप्रेशन. बा कंफ्यूज मत हो जाना, सर ने ये क्या लिख दिया, ये वाला आंसर लिख दिया कि मैं अब जो सॉल्व करेंगे, और ये वाला लिख दिया. अब हम इसका क्या करेंगे, सर्किट डायग्राम बनाएंगे. ए बी सी का बनाते हैं. तो ये आ गया हमारा ए, ये आ गया बी, ये आ गया सी. दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी. बीच में क्या है, प्लस और सर्कल, दैट इज एक्सोर, एक्सोर. तो क्या करोगे, ऐसे करोगे और ऐसे करोगे. ये क्या आ गया हमारा, एक्स और. ठीक है, यहां तक हो गया. अब हमें क्या करना है इसके बाद, अब हमें इसका डायग्राम बनाना है. क्या है, बी डॉट सी. तो यहां से हम लेकर आए बी, दिस इज बी, और यहां से हम लेकर आए सी. तो ये क्या आ गया, बी सी, और इसके बीच में क्या आ जाएगा, एंड. तो दिस इज बी डॉट सी. ठीक है, और क्या चाहिए, ए डैश बी. तो ये हमारा ए है, दिस इज ए. इसको मैं लाइन डिफरेंट कलर से कर लेता हूं, बट एग्जाम में आपने अलग अलग पेन से नहीं बनानी. ये आ गया ए, लेकिन ए के साथ क्या चाहिए, ए डैश और बी चाहिए. और ये आ गया हमारा बी, दिस इज बी. ए डैश चाहिए, तो दिस इज ए डैश, दिस इज बी. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके बीच में क्या लगाएंगे, प्लस का साइन. तो ये आ गया ए डैश डॉट बी. ठीक है, नेक्स्ट. और क्या चाहिए, ए डैश डॉट सी. क्या चाहिए, ए डैश डॉट सी. तो ए डैश तो हमने ये बनाया हुआ है, दोबारा बनाना, दोबारा बना सकते हो. यहां पे मैंने दोबारा डिफरेंट पेन से कर लेता हूं, जिससे कि कंफ्यूजन नहीं हो. अब यहां से आ गया हमारा ए डैश. और क्या चाहिए, सी चाहिए. तो यहां पे डार्क कर दिया, यानी वहां पे भी जा रहा है, यहां पे भी जा रहा है सी. तो ये क्या बन गया हमारा, ए डैश सी. दिस इज ए डैश डॉट सी. ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन सबके बीच में और, यानी प्लस का. और ये किसका आ गया, प्लस का. और इससे क्या आ गया, बी डॉट सी प्लस ए डैश डॉट बी प्लस ए डैश डॉट सी. नाउ दिस इज द आंसर. दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूं कि वीडियो बड़ी जरूर हो रही है, लेकिन पर्पस है सब चीज सही से समझाने का. तो ये हो गया हमारा आंसर. ठीक है, देख लो, ये सर्किट डायग्राम बना दिया हमने, किसका, हाफ फुल सबट्रैक्टर का. नाउ दिस इज द फाइनल. और ये लिखने से पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे. और साथ साथ में दो वर्ड्स चाहिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जरूर लिखना कमेंट्स में. और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वो भी जरूर मेंशन करना. तो दोस्तों उम्मीद रखूंगा एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा फुल सबट्रैक्टर का, तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे. ठीक है दोस्तों, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस.